एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। अभी मैंने कहा था कि वो गीत जिसमें बरसात अपनी समग्रता में है, वर्षा ऋतु अपनी पूरी समग्रता में है। कुछ गाने आप पाएंगे जिसमें गीत के, जैसे धरती का एक गाना याद आ रहा है, ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है। इसमें कहीं भी कोई बारिश नहीं है। अगर गौर से विजुअल देखेंगे तो बहुत ज्यादा हवा भी चलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अब जो मैं गीत आपको सुनाऊंगा उसमें कंटेंट और विजुअल दोनों में कंपैटिबिलिटी है, एक दूसरे के पूरक हैं। जो बोल हैं गीत के वैसा ही दृश्य है। इस फिल्म का नाम है परख। गीत के बोल हैं, ओ सजना बरखा बहार आई, रिटन बाय शैलेंद्र, कंपोज्ड बाय सलिल चौधरी एंड संग बाय ग्रेट लता मंगेशकर एंड पिक्चराइज्ड ऑन अनदर ग्रेट साधना। इसका जो बांग्ला वर्जन है वो भी साधना जी के ऊपर ही पिक्चराइज हुआ है, ना जेव ना। ये फिल्म डायरेक्ट की थी बिमल रॉय ने। अगर कभी इस गीत को देखने का आपको मौका मिले तो आप देखेंगे साधना जी ने सिर्फ एक टिक्की लगा रखी है, माथे पे एक बिंदिया है, एक साड़ी पहनी हुई है, गांव का सेट लगा हुआ है, भरपूर बारिश है, ओ सजना बरखा बहार आई, पत्तों के शॉट है, पत्तों के ऊपर पानी की बूंदे पड़ती हैं। पूरे गाने में जिस तरह से बरसात को चित्रित किया गया है और पूरे गाने में शैलेंद्र जी ने कविता के माध्यम से जो वर्षा ऋतु का और जो वियोग श्रृंगार का चरित्र चित्रण किया है वो अविस्मरणीय है। ये गाना कमाल का गाना है, ओ सजना बरखा बहार आई। और इतनी सुंदर लगी हैं साधना जी, इतनी सुंदर लगी हैं। मैं आजकल की जो हीरोइंस हैं उनसे अगर वो सुने तो उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना मेकअप करने के बाद, इतना बनठनने के बाद जरा सा ये गाना देख लेना। साधना ने कोई मेकअप ही नहीं किया, जरा सा आईलाइनर मारा होगा, बस काजल लगा लिया होगा और एक माथे पे टिक्की लगाई हुई, एक सीधी सिंपल सी साड़ी पहनी हुई है। भारतीय नारी जब साड़ी पहनती है और माथे पे बिंदिया लगा लेती है यार, तो बड़ा अजीब सा लगता है। उसके आगे फिर दोनों जहान की अप्सराएं थोड़ी सी फेडेड लगती हैं। बहरहाल बात चल रही है परख की। परख बहुत सुंदर फिल्म है और बिमल दा को फिल्म फेयर का बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी इसी फिल्म के लिए मिला। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर का अवार्ड गया मोतीलाल जी को और बेस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट का अवार्ड गया जॉर्ज डी क्रूज को। ये फिल्म फेयर के अवार्ड से नॉमिनेट हुई थी ये बेस्ट फिल्म के लिए, लेकिन अवार्ड चला गया मुगले आजम को। और आखिर में बिहार से एक पत्र मिला है सुनील कुमार जी का और उन्होंने एक प्रश्न पूछा है, गुरुदत्त और वहीदा रहमान की जोड़ी की आखिरी फिल्म कौन सी थी और इन दोनों के रिश्ते खत्म क्यों हुए। बिहार के सुनील कुमार जी को जवाब दूंगा थोड़ी ही देर में, वापस लौटूंगा। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।